ଦେବଭୂମି ରେ ଜଳତାଣ୍ଡବ। ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଦୃଶ୍ୟ ଡରାଇଲା ଭଳି। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ବହୁଥିଲା ପାଣି। ২০১৩ ପରେ ଦେବଭୂମି ରେ ପୁଣି ଜଳପ୍ରଳୟ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବି ଆସିଲା ତାକୁ ନିଜ ସହ ନେଇଗଲା। ଘର ବନ୍ଧ ଗାଁ କିଛି ବି ତା ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ଏ ତାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ମଣିଷ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ସାରିଥିଲା ପାଣି। ଚମେଲିର ଭାଙ୍ଗିଛି ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 150ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳୁଛି ଆଉ ସମୟ ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନଦୀର ଗତିପଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है, कुछ लोगों की हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है, आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषि गंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषि गंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी बीआरओ द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं, एनडीआरएफ भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। उद्धार कार्य रे लागी छि सेना, आईटीबीपी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ग्राउंड जीरो रे पहुंचे सारी छि। एयरलिफ्ट करी प्राय 600 जवान को उत्तराखंड पठा जाई छि। उद्धार काम रे वायुसेना और आर्मी को अलर्ट रे रहिबा को कहा जाई छि। प्रधानमंत्री गृहमंत्री और केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक घटना को नहीं दुख प्रकाश करिछंती, सबु प्रकार सहायता जोगाइ देबा को प्रतिश्रुति देइछंती प्रधानमंत्री गृहमंत्री और उत्तराखंड मुख्यमंत्री। उत्तराखंड रे जल विपद, उधार पई सेनार सहारा, सेबडे मुख्यमंत्री को समस्त सहायतार आश्वासना देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।